आतिका क्यों नाराज हो रही हो यार, हम एक दो दिन में आ जाएंगे ना। कब से तुम यही कह रहे हो, खत्म कब होंगे तुम्हारे ये एक दो दिन? मुझे असल वजह बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है, सब समझ आ रही है मुझे। चापारा से कहां बर्दाश्त हो रहा होगा कि तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की हामी भरी है। आतिका उनको भी दुख हुआ है यार, वो बेचारी इतने अरसे से मेरे लिए लड़की तलाश कर रही थी और मैंने एकदम से फैसला कर लिया तो दिल पर तो लेंगी ना वो। हाँ अब आई ना बिल्ली थैले के बाहर, मुझे पता था शापारा कोई ना कोई रखना जरूर डाले, उससे कहाँ हजब होगी ये बात। जानती हूँ मैं उसको, सब कुछ हाथ से निकल जाने का डर है। शादी करवा रही थी तुम्हारी, अरे टरखा रही थी वो। आतिका तुम बात को किस तरफ लेके जा रही हो? उन्हें सिर्फ ये दुख है कि मैंने शादी का फैसला अकेले कर लिया, उन्हें शामिल नहीं किया। और तुम? बात साफ साफ है रही, उसको कोई दुख नहीं, उसे सिर्फ अपनी जात की परेशानी लाहक है, खुदगर्ज है वो। और तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि तुमने ये फैसला अकेले नहीं किया, इस फैसले में मैं भी शामिल हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और अब मैं रुतबा की सरपरस्त भी हूँ। और इस हैसियत से ही कह रही हूँ कि रिश्ता जल्द हो जाना चाहिए, अब देर नहीं होनी चाहिए। बड़ी जल्दी पार्टी बदल ली तुमने, अब उसकी भी सरपरस्त हो गई तो। रईस वो बेचारी अकेली है, बेसहारा है, और मैं जल्द से जल्द उसकी जिंदगी में खुशियों की आमद चाहती हूँ। मैं भी दिल से यही चाहता हूँ, मेरी भी यही खुशी है। तो बस अब जल्दी सबको लेकर आओ, मैं फौरन तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। और हाँ, कोई लंबी मंगनी नहीं होगी, बस यहाँ रिश्ता तय हुआ और यहाँ शादी। ऐसा ही होगा, तुम फिक्र मत करो, बल्कि इस इतवार को हम आते हैं, तुम तैयारी रखो। हाँ हाँ रईस, तैयारी पूरी है, बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ, इतवार कहा ना तुमने। हाँ बस अब भूलना नहीं। हाँ हाँ सच में, बस तुम तैयारी पूरी रखना। खुदा हाफिज़।